महानगर स्थित नगर निगम परिसर में बुधवार को संयुक्त संविदा कर्मी बेरोजगार महागठबंधन के बैनर तले विभिन्न विभागों के संविदा कर्मियों ने रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी की। इस दौरान संविदा कर्मचारियों ने अपर नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और अपने विभिन्न मांगों से उनको अवगत कराया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संयुक्त संविदा कर्मी जनहित संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय पांडे ने कहा, बेरोजगार महागठबंधन, संयुक्त संविदा बेरोजगार महागठबंधन, संयुक्त संविदा बेरोजगार महागठबंधन। अपन सभी संविदा कर्मी एकजुट होकर के आज नगर निगम पार्क से रैली निकाल करके आपको ज्ञापन देना चाहते हैं, क्योंकि संविदा बाकी है और योजना भी समाप्त हो चुकी है। जय महागठबंधन, संयुक्त संविदा बेरोजगार महागठबंधन, हमारी मांगे पूरी हो। मृत्युंजय पांडे, प्रदेश अध्यक्ष, संयुक्त संविदा कर्मी जनहित संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश। लोग संयुक्त संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग महागठबंधन करके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम पांडे जी के आह्वान पर संयुक्त संविदा कर्मी जनहित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज हम समस्त संविदा कर्मी पूरे प्रदेश में हर जिले मुख्यालय पर, यहाँ तक कि अन्य राज्यों में भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और हमारी मांग है सरकार से जल्द हमारी सभी मांगों को मान लिया जाए। 8 फरवरी को माननीय प्रमुख सचिव जी की अध्यक्षता में जो बैठक लखनऊ में होने वाली है, जिसमें समस्त संविदा कर्मियों के भविष्य के बारे में विचार किया जाएगा। हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उस संविदा कर्मियों की बैठक में शिक्षा प्रेरक का भी नाम जोड़ा जाए और हमारे भी भविष्य का ध्यान रखा जाए। जय संविदा कर्मी, जय महागठबंधन।